कैसे उसको पतांग रही हो? अभी अपने दूल्हे का इंतजार करिए यहाँ बैठ। दूल्हे राजा आजो खाना खा लो। इस बच्चे बात मांगा आसपास के बुरा हाल हो गया। बर्तन धोने हैं वहाँ के। अपना अकाउंट नंबर बताओ मुझे सेंड करो। कुछ ऐसा कर लो। हाँ कहती अंकल रास्ता बोल दी। सॉरी क्या हरकतें हो रही हैं ये? गिरा दी पहले जूता उल्टा पहना फिर ये सारे काम खराब कर। Welcome to Sistrology. This is me, Ikra Kawa. Welcome to another vlog. Let's go, guys. मैं चलती हूँ। मैं आज तैयार होके जरा ये आपको मैं दिखा दूँ कि मैं जरा तैयार शहर रही हूँ। आज मैंने लॉन्ग सा एक ड्रेस पहना है, ऐसी फजूल में दिल चाह रहा था। जितनी भी खवातीन है उन सबको मेरा मैसेज है कि घर पे हो, बाहर हो, जैसे भी हो, सुबह उठ के अपना एक वो बना लें कि सुबह उठते साथ अपने आप को फ्रेश करना है, देन जिंदगी के और काम करने, क्योंकि काम नहीं मुकने सामा मुक जानिया ने। बहुत से लोगों को बहुत सी प्रॉब्लम्स होती हैं, स्किन प्रॉब्लम होगी, हाइपर पिगमेंटेशन है, रिंकल्स हैं, डार्क स्पॉट्स हैं, एक्नी स्कार्स हैं, सन बर्न हो गया है या माइनर बर्न्स जो हो जाते हैं, स्कारिंग हुई भी होती है, चैप्ड लिप्स होते हैं और स्किन जो है वो ढलकती जाती है और मॉइस्चराइज नहीं होती, ड्राई हो जाती है। उन सब प्रॉब्लम्स का एक सॉल्यूशन चिल्टन प्योर विटामिन ई ऑयल विच इज 100% ऑर्गेनिक। अगर आप लोग चाहते हैं कि आपकी स्किन जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाए तो इसको अप्लाई करें। इसको अप्लाई कैसे करना है? 2 से 3 ड्रॉप्स आप लोगों ने लेने हैं और उसको अपने फेस पे आप लोगों ने मसाज करना है, जिसके बाद आपकी स्किन बहुत अच्छी हो जाएगी। इफ यू वांट टू बाय योर्स तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक मेंशन कर दिया है, वहां पे जाएं, क्लिक करें, अपना खरीदें और एंजॉय करें खूबसूरत स्किन। मेरी इतनी लंबी फ्रॉक में नीचे जूता देखें जरा मेरा। यहाँ मैं आपको दिखाती, चलो मेरी दोनों बहनें जो है ना वो यहाँ पे सोई हुई है। बाहर तो मतलब मौसम काफी खूबसूरत है, मुझे लग रहा है की किसी के गार्डन की कटाई हो रही है। हमारे गार्डन को भी आप लोग देख सकते हैं, देखिए यहाँ से गंजा टिंडा टकला सब हुआ है। ये हमारा गेस्ट आ चुका है, हमारा बेबी आ गया। That's a new kid. Yes, it's a new kid. Are you? Chico. Ab Chico. Yes. I brought you everybody sweet. Okay. There's one for you. One for me. Yes. Wow. New chocolate. It's yummy. Yes. It's sweet. It's sweet. Okay. So what's for Yasha? Everybody's not for me. Everybody got a strawberry chocolate. Okay. Softy donut chocolate. Yum 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 yum. Let's go. अभी भाई मुझको करना था नाश्ता, मुझे हल्दी मतलब दाल चावल बने थे घर पे रात को, तो आज दाल खाऊंगी पराठे के साथ। तो मुझे नींबू चाहिए था। मैं आई हूँ यहाँ पे नींबू तोड़ने के लिए। यहाँ पे हमारे गार्डन में काम हो रहा है और मुझे कोई पीला नींबू मिल जाए यार, ताज़ा येलो येलो येलो, हल्की आंच पे येलो था वैसे फुल ग्रीन, ताज़ा नींबू। ये देखो खुश हो गया। नहीं तुम कैसे उसको पतांग रही हो? बस राबिया उसको छोड़ दो, क्या कर रही हो? रो रहा है राबिया। ओए क्या हुआ है? क्या हुआ? आजो 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 मेरे पास, मेरे पास मेरे पास आना। और कैसे चुप कर वो उठा ले राबिया। इंग्लैंड में ये सब नहीं होता बच्चे, उसको समझ नहीं आता। चलो इधर बच्चों की यहाँ पे पूंछ पांच सही। ये देखे इधर पंजाबी बोल दिया। आज ये पक्का बच्चे मेरे। राबिया पंगे बाज दोस्त का सारा। हाँ भाइयों को हम्बल बिल्कुल हम्बल इंसान है, पाकिस्तानी लंगड़ा। ये देखें जी, ये जो है ना ये गुड़िया का क्या हाल हो चुका है इस वक्त, और ये मीट हम्बल हिज हम्बल इज सो क्यूट। चले जी स्टाइल है भाई, स्टाइल है। इसके बाल मुझे बड़े अच्छे लगे हैं, क्यूट। ये इतना प्यारा डांस करता है, प्राइवेट में प्यारे।
सबको पता लग गया रबिया को कैसे बालों वाले लड़के पसंद है, हंबल जैसे लड़के पसंद है। थोड़ी देर बाद मुझे एहसास हुआ कि इससे ज्यादा प्यारी तो मेरी अपनी शक्ल है। बड़ी जल्दी एहसास नहीं हो गया तुम्हें? Hey, you little girl. आत्मा की फेवरेट बच्ची। वो उसके पास आके रोता है। उसके पास। अब देखना थोड़ा। चलो, 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 चलो। बस वापस। चल रही है राबिया ज़ैनब से फुल, देखा पीछे पीछे उसका तशरीफ लेके गई और वो अपने सही है बच्चों को ये चीजें दे दी। रहने दो ए लंदन वालों। इस बच्चे बात मांगा हंसा उसके बुरा हाल हो गया। ये देखें जरा। ये क्या हुआ? I'll do it. You need to relax. Listen, take a deep breath. फातिमा उठ जा। पता क्या कि ये ना हवा में उड़ रहा था तो मैं पकड़ने लगी तो मेरी शॉनी फातिमा का एक्सपीरियंस है। तो हमारे घर बन रही है आज बिरयानी और बिरयानी को बिरयानी नहीं होता बिरयानी होता है। ओह तुम्हारे लिए कह रही थी कि तुम मुझे ठीक करो। बिरयानी बन रही है और इसकी स्टोरी भी साथ ही बन रही है। स्टोरी नहीं है ये स्ट्रीक है। बिरयानी क्या? बिरयानी कराची वाले मजाक उड़ाते हैं फिर। मैं तो कहूंगी बिरयानी। अगर आपको मजाक उड़ाना तो यू कैन। फाइनली मैं बताना चाहती हूँ कि मुझे मेरा लड़का मिल चुका है। ओहो उसके बाल उसकी स्टाइल चेक करें। ओहो हैवी। ये है मेरा लड़का और इसको किसी तो मैंने की हुई है। वो देखो उसकी गाल पे कितना खेलता है। ओके तू मुझसे दोस्ती करोगे? वो तो मुझसे बात भी नहीं करता। करता है बारी करो सही हो जाएगा। हाँ मुझसे करता है। पोस्टर में गाना फाइनली राबिया को लड़का मिल गया। हमारा खाना हो चुका है रेडी और राबिया अपने दूल्हे का इंतजार करिए यहाँ बैठ। दूल्हे राजा आजो खाना खा लो। ये दूल्हा राजा यहाँ हमारे सामान में घुसा हुआ। डार्लिंग डार्लिंग काकू आ जा। ये डार्लिंग मैट उठा के गंद बिला उठा के यहाँ बैठा हुआ है। हाँ डार्लिंग नोटिंग और ये डार्लिंग उससे भी नोटी। और अब हमारा उन्होंने कहा खाना ये देखें आधी रात। पहले कह रही हैं कि कोई चीज़ खुली नहीं होगी लेकिन अब आधी रात को हमारी गाड़ी रेडी और पता नहीं हम कहाँ जा रहे हैं। मुझे नहीं पता, मुझे बस कॉल आई है कि आप भी बाहर आ जाओ। कहाँ जा रहे हो? हम लोग पिज्जा खाने जा रहे हैं। ओह माय गॉड। चलें जी अब हम जाते हैं पिज्जा खाने जा रहे हैं। वो जो मैंने चाइनीज़ रखा था ना अपने लिए। ओहो कौन आया? मम्मी मम्मी अभी तक नहीं आई। मम्मा भी आ गई हैं साथ। आ जाएं हिरा को फोन करके बताओ राबिया जल्दी से कि हम लोग बाहर हैं। सब लोग वो सोई हुई थी। हिरा को बता रही है ये लड़की कि कोई भी नहीं घर कोई नहीं अकेली हो तुम डरो। चुड़ैलों को चुड़ैलों से डर नहीं लगता। अच्छा पता नहीं कौन सी रोड पे आ गए यहाँ समझ नहीं आ रही किधर जाना है या फिर उधर जाना है। कोई रोड समझ नहीं आ रही। नेविगेशन आधी रात को रास्ता भटक गया। किसी को तो फॉलो कर लो। वो उधर जा रही तुम भी जल्दी पता लगे वो अपने किसी अबाई गाँव जा रहा है। हम भी वहाँ पहुंचे हुए है ना। यहाँ से देखें देखने से लग रहा है ना मैं आपको दिखाऊं ये सारा जहान सो रहा है। ठीक है कुछ भी खुलावा नहीं है सच सब कुछ बंद है। 4 बजे लिखा हुआ था गूगल पे टाइम। तुम्हारी आगे बंद है। अंदर वाइपर फिर रहे हैं बेटा। गार्डन लग रहा है। दरवाजा तो खुला हुआ है ना लेकिन पूछा हो जाके ओपन है। ओपन है। गूगल ने हमको धोखा नहीं दिया हमारी किस्मत ने हमको धोखा दिया। एस्ट्रोलॉजी आधी रात को कहीं पे जाती है तो उसको उसको ऐसे ही स्वागत किया जाता है। यार मैंने फिर क्या कहा था जाके पानी खा लेते हैं। यार आप ही ने सही कहा था हमारे साथ ऐसा ही होता। मुझे मुझे पहले पता नहीं अंदर एक वाइब मेरी छठी बड़ी तेज है काम करती है अच्छे तरीके से। बेटा छठी भी बड़ी काम की। यार फातिमा पान शॉप चलो यार मुझे पान लेना। खाने का तो पान शॉप से गोलगप्पे मिलते हैं। हाँ गोलगप्पे खाते हैं। अभी इस वक्त हम आ चुके हैं जी पान क्या आपके पास गोलगप्पे पड़े हैं? फ्रेश इधर मेन्यू लाना। मेन्यू लेके आओ भाई। उनसे पूछ रही है कि गोलगप्पे पड़े हैं उनको को बाहर ही खिला दें हम जरा। सैलेड भी है फातिमा एक क्वेश्चन चाहिए।
ये देखो जी हमारे आइसक्रीम नहीं खाने देते, तुम पूरे गोलगप्पे खा रही हो। बेटा डैडी ने व्लॉग देखना फातिमा, सबसे पहली बार तुम्हारी लगनी है। मुझे ना इनके गोलगप्पे वैसे कुछ खास नहीं लग रहे हैं, मुझे तो यही मजे के लग रहे हैं। ये देखिए फातिमा बस सीट पे ना गिराना, मम्मा टूट पड़ी है गोलगप्पों पे, टूट ही पड़ी। खा लें तो हम बाद में। हाँ हम लोग पीछे बैठे हुए, मतलब बाहर हम लोगों ने निकलना नहीं है। मैं नहीं बोलती किसी से, ये क्या बात हुई, मैं मुंह बना के बैठी थी गोलगप्पे का। यार हमारे लिए बचा दो, क्या मतलब है खाई इकरा, खाली ये खाए। फातिमा यार ये गिलास देना, सारा लेना मैं बस बस इतनी जल्दी। ओ, ओ, एक मिनट रुको, कम जल्दी खाली गोलगप्पे खाने का, ये पापड़ लग रहा है। ऐसा लग रहा है पहली दफा गोलगप्पे का। इन दोनों को देखो, ये दोनों जो कपल है ना न्यूली वेड, ये पागलों की तरह इधर मर्रा। फातिमा इंसान बनो फातिमा, ये खुद घुमा रही थी अपनी। क्या हुआ राबिया? हम कार्ड लेकर आए थे, कार्ड पे बिल नहीं होता। ओ माय गॉड कैश पे बिल होता है, अब क्या करें? राबिया ने कहा कि इतनी बड़ी दुकान है, कार्ड क्यों नहीं लेते होंगे? अब बताओ राबिया अब गाड़ी में से जो छुट्टे सारे पिया 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 बढ़ा हुआ ना वो सभी। ये देखिए जरा, ये किधर इधर से मिल जाएंगे 10-10 रुपए में से? क्या उसको पहले पूछो से कितना बना है। ओके यार, हमेशा हमारे पास दो प्लेट 600 के कुछ सेवन। ओके यार आज छुट्टी है मेरी। आपके पास पैसे नहीं है? नहीं मम्मा भी हम मुझे क्या पता, मुझे कार्ड का लाना देख के लिए लाए। बैग ही नहीं अपना देखे तुमने, कार्ड पकड़ मुझे कह रहे थे बैग। बड़ी दुकान है राबिया का था, बड़ी दुकान है, कोई नहीं होगी। गरीब गाड़ी, अब गाड़ी क्या बच्चों की जगह वो क्या पैसे प्रोड्यूस करती है? हम दोबारा आएंगे तो दे देंगे, ऐसा ही होता है कि मोहल्ले के किसान बेबी मोहल्ले में अमजद की दुकान है, दोबारा आएंगे तो दे देंगे सारा। नहीं नहीं बड़ा मोहल्ले का अमजद याद है, कल हम इसी टाइम फिर आएंगे। क्या है उस जगह ना, जाओ पैसे करा। चलो सॉरी उन्होंने क्या कहा, गाड़ी पकड़ लेनी, लेके भागे नुकसान करेगा मम्मा। उनको क्या पता, बहुत ध्यानदार है। देखा उन्होंने क्या पूछा है फातिमा, उनको तुम्हारी शक्ल पे यकीन नहीं था, उन्होंने पूछा कि आप आ जाएंगे ना। उन्होंने कहा बाजी ये ब्लॉगर बाजी को बुलाओ, इसने ब्लॉग बनाया था, पकड़े जाएंगे अगर पैसे ना देंगे। अब हम जा रहे हैं, जिंदगी में हमेशा याद रखें ये नसीहत है मेरी सबको, जो लोग मेरा ब्लॉग देख रहे हैं जब भी कहीं, अब आजकल थोड़े हालात अजीब किस्म के हुए हैं, अपने पास कैश रखे। चुप कर सी टेंशन जा, तेन अपने कैमरे दी पई है, कैमरा की मत लगा रहा हूं। यही तो कह रही हूं कि अपने पास कैश रखें, कार्ड्स पे ना रिलाय करें, क्योंकि कार्ड्स आपको एक दिन जैसे सरपराज धोखा देगा, ऐसे कार्ड आपको एक दिन धोखा देगा, जैसे आज हमारे साथ हुआ। मैं निकलने लगी हूं जी, ये कार्ड लेके कैश निकलवाना है भाई, जरूरी काम करना है। एटीएम प्लीज धोखा ना दो, तुम ऑफलाइन क्यों हो प्लीज, अल्लाह के वास्ते ऑन हो जो यार, हमारी इज्जत का सवाल है। बंद है ये, क्या हो गया हमारे से, वापिस आओ। एटीएम बंद है। हाँ जी फातिमा को देखो जरा, बर्तन धोने हैं वहाँ के। अपना अकाउंट नंबर बताओ, हम उसमें सेंड करवा देंगे, कुछ ऐसा कर लो। हाँ वहाँ जाके हल निकाल लो। पता नहीं क्या यार, अब क्या करना है, हम लोगों ने जलील हो चुके हैं यार। ये क्या हो गया हमारे साथ, तुम पान खा लो। हैं तुम पान खा लो, मम्मा खाली पान नहीं गोलगप्पे भी खाए गए, मेरी अकेली पे क्यों आ रही है? कोई बात नहीं, जैज कैश शुक्र है बात बन गई, और जैज कैश भेजना, पता लगे फातिमा का जैज कैश ही नहीं चल रहा। क्या कह रही हो, कुछ नहीं कहा, डेड घट चलो। बड़ी चला कोई हो, ये होता है देख रहे हैं लापरवाही का नतीजा। कहती अंकल रस्ता बंद है, सॉरी। ओके अंकल, थैंक यू अंकल, बाय अंकल, अंकल काम आया, थैंक यू अंकल। इसके साथ पता क्या हुआ, ये यहाँ पे फोन यूज कर रही थी और इनकी इसकी शक्ल देख रहे थे कि बाजी करके वो यूं देख रहे थे जैसे क्या हरकतें हो रही हैं ये। ये देखें राबिया, ये रोड है सारी, और राबिया के इस वक्त हालात चेक करें, गाड़ी नीचे से ना कुछ लग रहा है, और तो कुछ भी नहीं है उसको लग रहा है। क्या हुआ गाड़ी को, गाड़ी आवाज नहीं दे रही है, इंटरनल ब्लीडिंग हुई उसको, ब्रेन हैमरेज हुआ है। चलो बैठो चुप करके गाड़ी में, कुछ नहीं हुआ। मैंने कहा कि इनको नहीं दिखा क्या है गाड़ी में, पापा को दिखेगा। एक्सक्यूज मी साहिब, मेरी रिंग्स गुम हो गई है, एक रिंग आपके पास है शायद। थैंक यू, बहुत धन्यवाद, मेरी फाइनली ये रिंग मिल गई जो मेरी फेवरेट है, जो कि मैंने मेरा ख्याल से हाँ आ गई रिंग भी मुझको मिल गई, मैं बहुत हैप्पी हूँ। क्या है, क्या हुआ इसके पाँव पे, अंधेरे में नहीं पता लगा बंदे को। ये देखें जी, रात के 2 बज चुके हैं, और डैडी जो है वो गेट पर देख रहे हैं अपना हैप्पी। पापा जी मैं आपके लिए पान लेके, अवारा गर्दी कर रहे थे। फातिमा के पाँव में आते साथ इसने चरणों में मायो गिरा दी, पहले जूता उल्टा पहना, फिर ये सारे काम खराब कर।
राबिया बस कर दो, राबिया बस। गंद डाल दिया राबिया ने, पापा की गाड़ी में भी गंद डालती है, फातिमा के पाओं पे भी और सब जगह। तो इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी अगले व्लॉग में। उम्मीद करती हूँ आपको आज का व्लॉग बहुत पसंद आया होगा। तो बहुत सारा ख्याल रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, पान बाय।